हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गजा सजाइल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। फिर से मैं आपका दोस्त परविंदर सिंह एक नया वीडियो लेकर आया हूं स्पीकर्स के बारे में। दोबारा से स्पीकर्स भी FND, मुझे काफी मैसेजेस आ रहे थे कि FND के बारे में बताओ। FND 60X टावर स्पीकर्स जो दो पेयर में आते हैं। ये वीडियो देखने से पहले एक बात का ध्यान रख लें कि ये स्पीकर्स बैटरी पे नहीं चलते हैं, इसके लिए वायर चाहिए होती है और वायर के साथ पावर 220 वोल्ट चाहिए होगा और साथ ही साथ जो दूसरा पेयर जो दूसरा वाला स्पीकर है उसमें भी एक वायर लगानी पड़ती है। तो ये रख के चलेंगे, ऐसा नहीं कि आप सोचोगे इसको कहीं भी ले जाओ ट्रॉली स्पीकर से इतना। बट अब इसके बारे में बात करते हैं बिकॉज ये मॉडल आई थिंक 2016 में लॉन्च हुआ था और आज 2023 चल रहा है एंड ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए मेरे को यूज़ करते हुए। पूरा वीडियो देखना एंड तक, मैं आपको पूरा इसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं इनके वेट के बारे में। जो ये मेन यूनिट है इसका वेट है अराउंड 9 kg 700 grams, 9.7, और जो ऊपर वाला जो सेकंड है इसका वेट अराउंड 8 kg 400 grams का। अब आप पूछेंगे इसमें डिफरेंस हुए, क्योंकि इसके अंदर अडैप्टर लगा हुआ है जो वोल्टेज चलाता है और जो आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 220 वोल्ट से कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट, तो इसका वेट हमेशा ज़्यादा रहेगा। सेकेंडरी बिना इसके नहीं चल सकता क्योंकि इसमें आउटपुट की वायर आएगी। हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन इसका वुडन फ्रेम है, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी के वुडन फ्रेम्स हैं। इसमें वूफर या आउटपुट स्पेस बना रखी है। डिज़ाइन आप देखो क्रोम फिनिश आ रही है इसमें, वन ऑफ द बेस्ट लगता है अगर ये कहीं भी पड़े हुए आपके होम थिएटर में लगे हुए, प्रोजेक्टर्स में लगे हों या फिर आपके टीवी के पास पड़े हैं, इवन आप आउटडोर भी रख के बैठे हैं जहाँ आपके पावर सॉकेट मिल रहा है, तो कहीं भी आपको धोखा नहीं देते हैं। बस स्टैंडिंग रहेंगे, इसको लटा के ना सुनाएं बिकॉज यहाँ पर वूफर है और इसका आउटपुट है, यहाँ पर वेंट है, तो स्टैंडिंग में हमेशा सुनना है इसको। मतलब ट्वीटर्स लगे हैं दो, एक स्पीक एक इस वाले में एक उस वाले में, ट्विटर्स 1 इंच के लगे हुए हैं, सिल्क डोम के लगे हैं जो क्रिस्टल क्लियर वॉइस देते हैं। उसके बाद आपके सब वूफर 4-4 इंच के लगे हुए हैं एंड फाइनली आपका 8 इंच का वूफर, सब वूफर इधर लगा और 8 इंच का उधर लगा हुआ है। तो कॉम्बिनेशन उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया, 8 इंच का सब वूफर आपके होम के लिए काफ़ी अच्छा। इसके बीट सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कैसा उसका आउटपुट भी है। अब इसके पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। जो इसका रिस्पांस फ्रीक्वेंसी का 20 हर्ट्ज से लेकर 20 kHz तक है, काफ़ी बड़ा स्पैम है। SN साउंड SN रेशियो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 dB है, तो सेपरेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 45 dB है। मेन आउटपुट पावर के बारे में सब बात करते हैं, कितने वाट देता है, जैसे कितनी माइलेज देती है गाड़ी, ऐसे कितने वाट देता है। इसकी वाट RMS में बताते हैं, PMPO में नहीं बता रहे, RMS में एक स्पीकर 55 वाट देता है एंड सेकेंड ऑल्सो 58, और टोटल 110 वाट्स हो गया। आई डोंट नो कि Amazon पे जो अब लिंक बेच रहे हैं उस पर क्यों 240 या 220 वाट्स दे रखा है RMS। बेसिकली 110 RMS के ही हैं और घर के लिए काफ़ी अच्छे। लाउड स्पीकर की बात करें तो आई थिंक मैंने पहले ही बताया ट्विटर 1 इंच का है, दो सब वूफर लगे हुए हैं 4-4 इंच के और दो 8 इंच के सब वूफर हैं इसके अंदर, मीन्स पेयर में होंगे जैसे 4-4 इंच के दो सब वूफर और एक 8 इंच का सब वूफर और एक ट्विटर, सेम वे उसके अंदर भी। आप चाहें तो एक सिंगल भी चल सकते हैं, मेन वाला दूसरे वाले के वायर ना लगाए तो एक सिंगल भी चल जाएगा आपका। कनेक्टिविटी की बात करें तो आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ के साथ आप इसके अंदर बटन्स भी दे रखे हैं। अगर आपने रिमोट से अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है तो यहीं से आप सॉन्ग मिक्स चेंज भी कर सकते हैं। सेकंड इसमें ऑक्स का भी है, इसके अंदर आपका इसके अंदर इंफ्रारेड भी है आपके पीछे एंड मैं आपको पीछे से दिखाऊंगा इसका पूरा कैसा दिखता है। ऑप्टिकल भी है इसके अंदर कनेक्टिविटी और FM रेडियो है इसके अंदर एंड USB पोर्ट भी इसका सपोर्ट करता है। उसके बाद आप दो माइक्स एक्सटर्नल लगा सकते हैं इसके अंदर वायर्ड वाले, आप चाहे तो गिटार भी बजा सकते हैं इसके साथ। इसके साथ एक माइक भी आता है वायरलेस जो काफ़ी अच्छा है, वो आप जैसे तंबोला खेलना चाहते हैं घर में या फिर आप हाउस पार्टीज करना चाह रहे हैं या आपको कुछ स्पीकर्स पे बात करनी है, डिस्कशंस करने हैं, कुछ टीम इवेंट्स करने हैं, तो माइक इतना अच्छा वायरलेस है आराम से आपके 10 मीटर तक चलता है, कोई वायर की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ एक रिमोट आता है, उसके बाद एक वायरलेस माइक जो मैंने आपको बताया था इसको ऑन भी कर दिया मैंने, ये देखिए उसमें इंडिकेटर्स आ गए। हेलो, कैन यू हियर मी फ्रॉम माय टेस्टिंग 1 2 3। ये देखिए कहीं से भी आपको सबको वायर की जरूरत ही नहीं है, इसमें 10 मीटर तक आराम से आप घर की पार्टीज कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात इसकी मेरे को लगी है कि जब भी आप स्पीकर्स लेते हैं उसमें इतने एडजस्टमेंट करने के ऑप्शन होते हैं, कभी साउंड में ट्रेबल 5 इक्वलाइजर सब कुछ करना है, लेकिन कंपनी ने ऑलरेडी प्रीसेट सब कुछ करके दिया है जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसमें एक सेटिंग आपकी ट्रेबल की और एक सेटिंग है बेस की, अगर आप चाहो तो ट्रेबल एंड बेस में खेल सकते हैं, बट आप ये नहीं होगा कि आप सोचोगे उसका इक्वलाइजर ये करना है, वो फिर आप अपने अपने आउटसाइड जो मोबाइल फ़ोन है उनसे आप कर सकते हैं। बट इसके अंदर इतना अच्छा सिस्टम है कि सिर्फ आप 2 सेटिंग से इसकी आवाज़ कितनी बढ़िया कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स अब साउंड टेस्ट देख लेते हैं। मैं यूट्यूब का कंटेंट वही चलाऊंगा जिसमें कॉपीराइट का इशू नहीं होगा,
आओ प्लीज उसे कनेक्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल बीट्स के साथ होगा। फ्रेंड्स ऑल्दो जो ये सॉन्ग था ये इंस्ट्रूमेंटल था क्योंकि कॉपीराइट इशू की वजह से मैं चला नहीं सकता कोई एक्चुअली डिक चिक सॉन्ग जो आपको एक्चुअली बताया, लेकिन ये जो बीट्स थी इसकी इंस्ट्रूमेंटल में इसने पूरी बॉडी मसाज कर दी और 21 की स्पीड पे इसने खतरनाक इफेक्ट्स दिए रूम में। आप प्लीज़ अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको कभी पछतावा नहीं होगा FND 60X लेने पे, वैल्यू फॉर मनी है और आप घर में कहीं भी लगा लें इसको, आपके घर में धड़ाधड़ पार्टी होती रहेगी। आप अगर इसे खरीदना चाहते हैं अमेजोन का लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया, उसमें 220 वॉट्स दे रखे हैं, 220 वॉट्स RMS नहीं है, वो 110 RMS है। प्लीज़ इसमें बी अवेयर रहे, वो पता नहीं क्यों आजकल अमेजोन सेलर ने ऐसा कर दिया। 155 वॉट RMS का ये सुपर नहीं है, एक वाला टावर। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो, अपना टाइम देने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सो दैट मैं आपके लिए नए नए गैजेट्स ला सकूँ और आपको बता सकूँ।